नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से सुनील राज हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। सुनील राज, क्या कुछ अपडेट है? आज मतदान मतगणना हुई है, क्या कुछ जानकारी है? लगातार हुआ नजर आया। अभी तक के रुझानों में साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि सभी कैंडिडेट 1.5 लाख से ज्यादा बढ़त बनाए हुए हैं और देर शाम तक ये घोषणा भी हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कैंडिडेट ने जीत हासिल कर ली है। खासतौर पर अलग 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 सीटों की अगर हम बात करें तो टिहरी सीट से पहले बात कर लेते हैं। टिहरी सीट एक ऐसी सीट थी जहाँ पर पहले से ही नजर आता है कि यहाँ पर बीजेपी कैंडिडेट जीतेंगी, लेकिन यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बनेगा। अब ये हमने राउंड तक देखा कि वहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी चार पांच छह विधानसभाओं में सीधे टक्कर भाजपा के कैंडिडेट को दी, ये अपने आप में एक देखने योग्य था। लेकिन वहीं पर जब आप मैदानी मूल के विधानसभा सीटों पर आ जाते हैं, जो राजधानी देहरादून 7 विधानसभाएं हैं टिहरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, यहाँ पर जब इसका रिजल्ट आना शुरू हुआ तो यहाँ पर एकाएक बीजेपी की कैंडिडेट बढ़त बढ़ाती गई और उसके बाद फिर सेकेंड नंबर पे कांग्रेस का प्रत्याशी आया और थर्ड नंबर फिर जो निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार है वो चले गए। तो यही सिनेरियो यहाँ रहा और 1.5 लाख से ज्यादा का अंतर यहाँ पर अभी मौजूदा वक्त में दिखाई दे रहा है। दूसरी बात जो पौड़ी में हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि पौड़ी का चुनाव बेहद मजबूती से कांग्रेस ने लड़ा, जो वहाँ के प्रत्याशी थे कांग्रेस के कैंडिडेट गणेश गोदियाल वो भी 1.5 लाख के अंतर से हारते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर शुरुआती दौर से ही बीजेपी के जो प्रत्याशी वो बढ़त बढ़ाए हुए थे और अंत तक ये 1.5 लाख के करीब पहुंच गया। उसके बाद हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में कंटास मामला दिख रहा था। शुरुआती दौर में हल्की बढ़त बीजेपी के कैंडिडेट जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, वो पहले 5,000 की बढ़त बनाते हैं, फिर 6,000 की, फिर 7,000 की, फिर एकदम से वो 20,000 से अधिक की बढ़त बनाते, फिर वो घट के 11,000 पे आ जाती। तो यहाँ पर लग रहा था कि यहाँ पर कंटास्ट हो सकता है और बीजेपी का प्रत्याशी फंस सकता है मुकाबले में कांग्रेस प्रत्याशी जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत के, तो यहाँ पर ये सिनेरियो देखने को मिला। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो प्रत्याशी थे, एक निर्दलीय प्रत्याशी, एक बसपा प्रत्याशी, उन्होंने भी अच्छे खासे वोट यहाँ पर लिए। अब सीधे ले सकते हैं आपको अल्मोड़ा सीट पर। अल्मोड़ा सीट पर किसी को ये विश्वास नहीं था कि इतनी लीड वहाँ पर अजय टंका लेकर जाएंगे, क्योंकि दो बार वो लगातार वहाँ से सांसद चुने गए और तीसरी बार एक बार सांसद बने हैं, तो वो 2 लाख से ज्यादा मार्जिन से प्रदीप टंका जो कांग्रेस के सांसद थे वो उनसे वो जीते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा मार्जिन हमें देखने को मिल रहा है वो नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर मिल रहा है। वहां पर मार्जिन अभी तक 3 लाख के पार पहुंच गया है और देर शाम तक ये 3.5 लाख के आसपास भी पहुंच सकता है। कि अब ये नतीजे में भी तब्दील होगा कि 3.5 लाख के अराउंड वहां पर ये मार्जिन पहुंचा। लेकिन जो सबसे चिंताजनक बात रही वो ये रही कि आसपास के लोकसभा चुनाव में पहली बार उत्तराखंड में 52,000 से ज्यादा नेता को बटन दबाए गए। सबसे बड़ा नेता को बटन दबा है वो अल्मोड़ा लोकसभा सीट से दबा, उसके बाद लोकसभा सीट पर, तो उसके बाद सिलसिलेवार टिहरी में भी और हरिद्वार में भी यही सिनेरियो हमको देखने को मिला। तो ये पूरा वातावरण रहा, लेकिन उत्तराखंड से 5 प्रत्याशी बीजेपी के चुने गए हैं और यहाँ पर तीसरी बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए हार्दिक कुमारी है। जी सुन रहे, एक बार अपने दर्शकों को बताएंगे हम कि कौन सी सीट में कितने जीत और हार का मार्जिन रहा है, कौन कौन प्रत्याशी आमने सामने थे और बीजेपी को जो फायदा मिला है, किस वजह से बीजेपी को उत्तराखंड में इतना अच्छा फायदा मिला है कि पांचों की पांचों सीट बीजेपी वहां से जीती है। क्योंकि जैसे पहले आपको बताया कि अगर हम आमने सामने बात करें तो आमने सामने कांग्रेस के और बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पर दिखाई दिए। पांचों सीटों पर सीधी टक्कर दोनों कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच में रही, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा रहा पहले के मुकाबले। जैसे टिहरी सीट की मैंने बात करी तो 1.5 लाख से ज्यादा अंतर रहा और पौड़ी सीट की बात करें तो 1.25 लाख का अंतर रहा और हरिद्वार की बात करें तो 1 लाख से ज्यादा मार्जिन यहाँ पर भी देखने को हमें मिला। वहीं पर अल्मोड़ा में 2.25 लाख के अंतर का मार्जिन रहा। यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप टंका थे जबकि बीजेपी के अजय टंका। वहीं पर नैनीताल लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने प्रकाश जोशी पर भरोसा जताया था, जबकि अजय भट्ट पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं
वो बीजेपी ने उनको टिकट दिया था, तो वहां पर सबसे ज्यादा अंतर रहा और 3 लाख के करीब का अंतर यहां पर देखने को मिला। तो जो दावा बीजेपी ये कर रही थी कि हम 5 लाख के अंतर से जीतेंगे, वो अंतर बेहद कम रहा, खासकर 3 सीटों पर। लेकिन जो 2 सीटें वहां पर 2.25 लाख और 3 लाख का मार्जिन हमको देखने को मिला। जैसे आपने दूसरा सवाल किया कि 5 सीटें इस बार बीजेपी ने जीती, क्या कारण रहे कि किस कारण बस कांग्रेस हार गई और बीजेपी जीत गई, यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर मोदी फैक्टर रहा। मोदी जब जब केदारनाथ के कपाट खुलते हैं तब तब आते हैं, हालांकि इस बार नहीं आ सके क्योंकि इस बार चुनावी माहौल था और कई प्रदेशों में उनके कार्यक्रम तय थे। तो यहाँ पर चाहे वो कैलाश पर्वत ओम पर्वत में आए हों या कैलाश आदि कैलाश आए हों या फिर केदारनाथ या बद्रीनाथ, यहाँ पर जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उसके बाद पर्यटकों में उछाल देखने को मिला। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार अपने संबोधन में कहते रहे कि उत्तराखंड का दशक अगला तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो उससे कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता ने अपने आप को कनेक्ट किया और यही वजह रही कि भाजपा के सभी प्रत्याशियों पर प्रदेश के तमाम लोगों ने भरोसा जताते हुए क्लीन स्वीप करते हुए हैट्रिक लगाने की बारी दी है। जी सुनील ने बात साथ जबलपुर से हमारे सहयोगी संवाददाता अरविंद दुबे लाइव जुड़ चुके हैं। अरविंद, जबलपुर लोकसभा सीट का क्या कुछ अपडेट है, क्या जानकारी है, दर्शकों को बताइए। सुनील राज, जिस तरीके से देखा जाए लगातार उत्तराखंड में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, एक भी सीट कांग्रेस वहां जीत दर्ज नहीं कर पाई है, क्या अभी भी कोई ऐसी सीट बाकी है जहां पर मतगणना जारी हो और कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच में जो वोटिंग का अंतराल है, जो काउंटिंग का अंतराल बहुत कम रहा? तो सबसे कम अंतर तो मैं यही कहूंगा आपको, जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि हरिद्वार में रहा है, वहां पर 1 लाख के करीब अंतर रहा है और ऐसी भी कोई सीट नहीं है जहां पर अब मतगणना हो रही है और ये लगे कि वहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट जीत सकता है, ऐसी कोई भी उत्तराखंड में सीट नहीं है। ये जो सिनेरियो था ये लगभग 2 बजे तक पूरा कंप्लीट हो गया था कि अब प्रदेश की तस्वीर किस तरफ जा रही है। प्रदेश की जो तस्वीर साफ हुई वो 2 बजे के अराउंड हुई। हालांकि हरीश रावत और तमाम नेता बूथों पर मतदान जो मतगणना स्थल है वहां पर जाते रहे और फीडबैक अपने कार्यकर्ताओं से लेते रहे जो अंदर एजेंट बैठे हुए थे। तो बलून को पहले लग रहा था कि हम हरिद्वार जीत रहे हैं और हरीश रावत ने हमसे भी ये दावा किया स्वराज एक्सप्रेस से कि हम 2 सीटों पर यहाँ पर चुनाव जीतेंगे, लेकिन यहाँ पर एक भी सीट कांग्रेस के जोली में नहीं जा पाई। कारण वही रहा, कांग्रेस की खींचतान, पहले कई नेता लगातार ये मना करते रहे, चाहे वो हरीश रावत हो, प्रीतम सिंह हो, यशपाल आर्या हो, कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। तो यानी कि उनके मन में ये शब्द घर कर दिया था कि वो नहीं जीतेंगे। ऐसे में चूंकि अब सियासी हल्कों में इस बात की भी चर्चाएं हैं, अगर टिहरी से प्रीतम सिंह चुनाव लड़ जाते और हरिद्वार से खुद हरीश रावत चुनाव लड़ते और यशपाल आर्या अल्मोड़ा से चुनाव लड़ते तो सिनेरियो कुछ और होता और करण महाराज को यदि नैनीताल उधम सिंह पटी, तो इस तरह की सेक्टरों में बंटवारे की बात भी रही हो या फिर चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हो, तो ये सिनेरियो कांग्रेस के लिए बेहद निराशाजनक रहा और इसी फैसले ने कांग्रेस का प्रदेश से टुकड़ा साफ किया। क्योंकि इससे पहले भी अगर हम 2019 के चुनाव की बात करें तो उस समय भी कांग्रेस के भीतर इसी तरह की बयानबाजी होते रही नतीजतन, हालांकि उस समय जो एग्जिट पोल थे वो बता रहे थे कि 35-36 सीटें बीजेपी की है, 35-36 सीटें कांग्रेस की आएगी। और जबकि 2022 के लोकसभा 22 के विधानसभा चुनाव में बढ़त कांग्रेस की बता रहे थे, लेकिन हुआ क्या, बयानबाजी ने यह किया कि बीजेपी को 2/3 बहुमत दिया और महज 19 सीटों पर कांग्रेस को सिमटा दिया। तो इस लोकसभा चुनाव में भी हमें यही देखने को मिलेगा। हालांकि सभी राजनीतिक दल विश्लेषण करेंगे, आपकी मंथन करेंगे कि किन कारणों से वो हारे, क्या वजह रही, लेकिन जो सीधे तौर पर राजनीतिक विशेषज्ञ हो या फिर वरिष्ठ पत्रकार वो इसी मायने में देख रहे हैं कि जो कांग्रेस के भीतर की बयानबाजी है उसने कांग्रेस को हटाया किया और पहले से जो डर कांग्रेस के बड़े नेताओं को था उसने भी कांग्रेस का उत्तराखंड से सुप्रसाद किया। जी
सुनील, जिस तरीके से हार के बाद प्रत्याशी ठीकरा फोड़ते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, प्रशासनिक तंत्र पर आरोप लगाए जाते हैं, क्या उत्तराखंड में ऐसा देखने को मिला है या किसी प्रत्याशी ने इस तरीके की बात कही हो? देखिए अरुण, अभी तक तो किसी भी प्रत्याशी, चाहे कांग्रेस का रहा हो या निर्दल रहा हो या फिर अन्य दलों से चुनाव रण में उतरा हो, अभी तक किसी ने भी कसूरवार ईवीएम को नहीं ठहराया, नहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को कसूरवार नहीं बताया। हमारे साथ सहयोगी संवाददाता जबलपुर से अरविंद दुबे लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद, जिस तरीके से मतगणना हुई है, देखा जाए बीजेपी ने प्रदेश की 29 की 29 सीटें जीत ली हैं, कहीं कहीं मतगणना अभी भी जारी है, हालांकि देखा जाए तो बीजेपी हर सीट पर आगे है, जबलपुर के क्या हालात? देखिए जबलपुर में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं आशीष दुबे, वे आखिरी राउंड में 4,82,000 मतों से आगे चल रहे थे, कुल 11,54,000 मत पड़े थे और उनमें से 4,82,000 मतों से लीड हासिल की उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव के साथ। इस तरह से एक जबरदस्त लीड यहां पर आशीष दुबे को मिली है और इन्होंने जो पिछला रिकॉर्ड रहा है जबलपुर में अधिकतम मत प्राप्त करने का बीजेपी प्रत्याशी का, राकेश सिंह लगातार साल 2004 से सांसद रहे हैं और उनकी जो लीड थी उससे भी कहीं आगे निकलकर उन्होंने इतिहास रचा हुआ है। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जो बीजेपी का प्रदर्शन जबलपुर संसदीय सीट पर रहा है वो काफी बेहतर रहा है, दूसरों की तुलना में बहुत ज्यादा बेहतर यहाँ पर रहा है और यहाँ पर लोगों का और संगठन का सबसे बड़ा जो सहयोग रहा वो संगठन का सहयोग रहा, इस वजह से आशीष दुबे अपना प्रदर्शन काफी अच्छा कर पाए। दूसरे प्रांतों में भले ही बीजेपी को अपेक्षित परिणाम ना मिले हो, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि जबलपुर की जनता के ऊपर इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा दूसरी बातों का, विपक्षी दलों का, यहाँ पर मोदी के नाम की लहर जो है वो यथावत है और बीजेपी एक परंपरागत तौर पर जबलपुर सीट जो है वो बीजेपी की मानी जाती है, तो इस परंपरा को जबलपुर के मतदाताओं ने कायम रखा और अपना विश्वास। जी बिल्कुल, रोकना चाहूंगा अरविंद आपको, रुझानों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते आपको। हम लोग उठने से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होने के बावजूद आपने समय दिया इंटरव्यू के। अरविंद, जिस तरीके से देखा जाए, आप बता रहे 4 लाख से ऊपर की लीड ली है बीजेपी प्रत्याशी ने, क्या कुछ जानकारी है? देखिए इस तरह से जबलपुर के लोगों ने अपना पूरा जो विश्वास है अभी भी उन्होंने मोदी जी के नाम पर ही जताया है, भले ही दूसरे प्रांतों में इतना ज्यादा अपेक्षित परिणाम बीजेपी को नहीं मिले हो, लेकिन जबलपुर संसदीय सीट पर और आसपास का जो पूरे महाकौशल की जो 6 सीटें हैं उन पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव विपक्षी दलों का नहीं रहा है बहुत ज्यादा, जबकि आपको मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के बड़े नेताओं ने लगातार महाकौशल क्षेत्र का दौरा किया था और जबरदस्त तरीके से कैंपेनिंग की थी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उसके बाद इवन खड़गे साहब भी यहाँ जबलपुर में इस महाकौशल क्षेत्र में अपना चुनाव प्रचार के लिए लगातार सभाएं करते रहे, यहाँ पर उनका बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ऐसा कुछ फर्क पड़ा नहीं। लगभग महाकौशल की पूरी 6 की 6 सीटें जो इस बार बीजेपी के पक्ष में आई है, छिंदवाड़ा जो सबसे ज्यादा फाइटिंग सीट रही है, लंबे अंतराल के बाद बीजेपी वो सीट जीत पाई बहुत लंबे मार्जिन के साथ, वहां बंटी साहू ने नकुलनाथ के ऊपर जीत दर्ज की, एक तरह से कमलनाथ की हार के तौर पर ही उसे आंका जा रहा है। तीसरे कहा जा सकता है कि यहाँ पर तो कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जब दूसरे प्रांतों की बात करें तो दूसरे प्रांतों में बीजेपी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, ये सवाल जो हमने प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह से किया तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि आकलन करना होगा, देखना होगा कि कहां पर चूक हुई, वो अपेक्षित परिणाम क्यों नहीं मिले। लेकिन उन्होंने एक बात का दावा किया, उन्होंने कहा कि हम तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं और वे जल्द ही एनडीए के साथ वे अपना बहुमत साबित करेंगे और तीसरा जो टर्म है वो अपनी पूरी करेंगे। बड़ी बात राकेश सिंह साहब ने कही, चूंकि राकेश सिंह संगठन से भी बड़े नेता माने जाते हैं और मंत्री भी रहे, लंबे समय तक साल 2004 से सांसद रहे, बहुत नजदीकी माने जाते हैं नरेंद्र मोदी के, उनके द्वारा ये बात कहना तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही शपथ लेंगे, एनडीए ही बहुमत के साथ सरकार अपनी बनाएगा, किसी भी तरह की कोई शुभ की बात नहीं है। एक सवाल और हमने उनसे किया था कि कुछ एनडीए के जो गठबंधन के जो उनके घटक हैं वो शायद साथ छोड़ने की बात कर रहे हैं, उनका कहना था कि ये जो कयास लग रहे हैं ये मीडिया में कयास लग रहे हैं, असल बात कुछ और है,
हमारे जो नेता हैं वे लगातार गठबंधन के अपने सहयोगियों के साथ संपर्क में हैं और सभी नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं और वे जल्द ये तमाम बहुमत साथ में लेकर राष्ट्रपति के पास जाएंगे और सरकार बनाने का दावा करेंगे। तो बड़ी बात राकेश सिंह ने कही है और एक तरह से उन तमाम दावों को खारिज किया है जो इस वक्त हवा में चल रहे हैं। अरविंद, जिस तरीके से देखा जाए कांग्रेस ने भी लगातार एक के बाद एक सभाएं की और जनता के बीच कांग्रेस गई। कांग्रेस ने कहा कि संविधान को खत्म कर दिया जाएगा और इसके साथ ही उन्होंने जो बहिना है बोला कि बहनों को 8,000 रुपये दिए जाएंगे, उनकी राशि बढ़ाई जाए। क्या जो कांग्रेस ने कहा वो जनता तक नहीं पहुंच पाया या फिर कांग्रेस के नेता जनता तक अपनी पकड़ मजबूत नहीं बना पाए मध्य प्रदेश में? स्पष्ट यदि हम सिर्फ मध्यप्रदेश तक सीमित करके देखें तो यहाँ पर संगठन की बड़ी कमजोरी रही है कांग्रेस की। यहाँ पर कांग्रेस संगठन के तौर पर कभी भी एकजुट नजर नहीं आई। आपने भी देखा होगा कि जीतू पटवारी अपनी अलग बात कहते थे, कमलनाथ पूरी तरह से शांत थे, वे सिर्फ अपने बेटे नकुल नाथ के लिए प्रचार कर रहे थे, छिंदवाड़ा से एक बार भी वे बाहर नहीं निकले। जो दिग्विजय सिंह थे वे सिर्फ भोपाल और राजगढ़ के बीच में लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा दूसरे क्षेत्रों में उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसी तरह से जो और भी बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वे तमाम नेता जो हैं उन्होंने दूसरे क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया। जनता के साथ जो कनेक्शन होना चाहिए था वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे अपने आप को। इस तरह से जब कनेक्शन नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के परिणाम आते हैं। जनता को विश्वास नहीं हो पाता कि जो बातें ये कह रहे हैं ये धरातल पर उतार पाएंगे या नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि चूंकि पहले प्रथम चरण में ही 6 बड़ी सीटों पर यहाँ पर मध्य प्रदेश में चुनाव हो गए थे, वो 6 बड़ी सीटें ही एक तरह से डिसाइसिव सीट हो गई थी। और जब पहले चरण का चुनाव प्रचार चल रहा था तब तक बीजेपी का पर्दा बहुत ज्यादा भारी था। नरेंद्र मोदी सिर्फ मोदी गारंटी अकेले की बात नहीं कर रहे थे, वो तमाम उन बातों को दोहरा रहे थे जो बाकी रह गई थी उनके कार्यकाल में। तो इस तरह से जो मोदी जी का जादू है वो पहले चरण में जबरदस्त तरीके से हावी हो चुका था चुनाव प्रचार के दौरान। तो पहले चरण की सीटों पर जो चुनाव हुए आप देख रहे हैं कि परिणाम वहां पर बहुत ज्यादा बीजेपी के पक्ष में झुके हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरे और तीसरे चरण में स्थितियां बदली हैं। खासतौर पर तीसरे चरण के बाद स्थितियां बहुत ज्यादा बदली और यहां पर कांग्रेस जनता का विश्वास जीतने में पूरी तरह से अक्षम साबित हुई मध्य प्रदेश में, और यही एक बड़ी उनकी हार का कारण बना। उनके पास 29 सीटों में एक भी सीट पर वे अपनी जगह नहीं बना पाए। हम सब जानते हैं कि बड़े दिग्गज कांग्रेस ने उतारे थे चुनाव मैदान में, जो कि अपने दमखम पर ही चुनाव लड़ना जानते थे और वे लड़ भी रहे थे। संगठन की उन्होंने भी परवाह नहीं की, संगठन ने उनकी परवाह नहीं की। इस खींचातानी में जनता चुपचाप तमाशा देख रही थी और बीजेपी के पक्ष में वोट करके आ गई। 29 सीटें मध्य प्रदेश की लोकसभा की बीजेपी के पक्ष में चली गई। अरविंद, ये मान लिया जाए कि कांग्रेस में जो आपसी फूट रहती है, कहें कांग्रेस उतनी मजबूती के साथ जनता के बीच में नहीं पहुंच पाई जितनी मजबूती के साथ बीजेपी पहुंच पाई थी, असल में उभर कर आई। देखिए बीजेपी की गाइडलाइन होती है कि बीजेपी संगठन जो नारा देता है उसको बाकी नेता निभाते हैं संगठन के, लेकिन कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं था। कांग्रेस के नेता कोई और नारा लगा रहे थे, उनके जो दूसरे नेता थे वो कुछ और बात कह रहे थे, या बातों में भी बड़ा अंतर था, चुनावी सभाओं में भी बड़ा अंतर था। राहुल गांधी कुछ और तरह की बात करते थे, वे संविधान को बदलने की बात करते थे, लेकिन जो बाकी नेता थे वे संविधान शब्द का उपयोग करने से भी डरते थे। उन्हें लगता था कि शायद ये बहुत ज्यादा कहीं संवेदनशील शब्द है, इसे यदि उपयोग में लाएंगे तो इसके नफा नुकसान हो सकते हैं, ये बात को वो महसूस कर रहे थे। लेकिन शायद जो उनके बड़े नेता हैं वो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय स्तर के 3 नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, खड़गे, ये शायद संविधान शब्द का जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे थे वो शायद मध्य प्रदेश की जनता को पसंद नहीं आया। देखिए मध्य प्रदेश की जनता आमतौर पर परंपरावादी जनता मानी जाती है, जो मतदाता है वो परंपरावादी है, परंपरागत तरीकों से चलते हैं, आज भी लोकतंत्र की बहुत गहरी जड़ों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, और संविधान को इतनी जल्दी बदलना, उसे परिवर्तित कर देना जैसी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। और यहाँ पर कांग्रेस शायद जजमेंट करने में उनके बड़े नेता कहीं ना कहीं चूक गए। जो छोटे नेता थे वो संविधान जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचते रहे और ऐसे में जनता के साथ जो कनेक्शन होना चाहिए था वो कनेक्शन नहीं हो पाया और संगठन का बिखराव, आम जनता का जनता के साथ जुड़ाव नहीं और उस पर कैंपेनिंग की कमजोरी, पैसे की कमी, ये तमाम जो कमियां थी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, ये तमाम कमियां उभर कर जनता के सामने आ चुकी थी। वहीं बीजेपी का जो संगठन था वो मजबूती के साथ, दमदारी के साथ, वजनदारी के साथ अपनी बात जनता के सामने कह रहा था और सीना ठोक के बता रहा था कि शिवराज सिंह चौहान ने यदि लाडली बहना योजना लागू की थी तो हमने उसे जारी रखा और हम आगे भी जारी रखेंगे, और उसका जो अमाउंट है, जो पैसे का वो है अमाउंट है, हम उसको भी और आगे बढ़ाते जाएंगे। लोगों में विश्वास यही था कि यदि ये सरकार ऐसा कर सकती है कि इनका मुख्यमंत्री बदले जाने के बाद भी
योजनाओं में परिवर्तन नहीं हो रहा है और योजनाएं लगातार चल रही हैं, तो जनता का विश्वास बीजेपी के साथ चलता रहा मध्य प्रदेश में, एक अलग बात है कि ये बातें बीजेपी के साथ दूसरे प्रदेशों में नहीं चली, लेकिन मध्य प्रदेश में चली, 29 सीटें बीजेपी के साथ आ गई। अरविंद, ये मान लिया जाए जिस तरीके से मोदी मंत्र चला ही है, लेकिन वोटिंग के दौरान जब ग्रामीणों ने वोटिंग का बहिष्कार किया था गए थे, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी को इतनी बढ़त मिली क्योंकि कहीं ना कहीं जो जनता रुष्ट थी, जिनके कार्य पूरे नहीं हुए इसलिए उन्होंने वोटिंग नहीं की, तो क्या उसका कोई असर नहीं रहा, या फिर उन्होंने मान लिया कि कांग्रेस, अगर कांग्रेस को वोट करते तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा इसलिए उन्होंने भी बीजेपी को वोट किया? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कई जगह ऐसा हुआ था कि कुछ जगह पर वोटिंग नहीं हुई थी। ये पूरे मैं यदि महाकौशल को साथ में रखकर देखूं तो कई गांव ऐसे जी अरविंद, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए, अरविंद आपको रोकना चाहूंगा, मध्य प्रदेश चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, देखिए लाइव तस्वीर। नोटा को लेकर के जरूर एक उत्सुकता रही है लोगों के मन में, तो इंदौर में जो टोटल नोटा है वो 2,18,674 है, 218674, और सबसे कम सपना में है 2553। टोटल जो नोटा है अभी तक सपना, टोटल जो नोटा है वो 533284 है, 533284। ब्रेकअप है अपने पास, आपको एप्पल दे देंगे जैसा आप चाहो। इसके अलावा बहुत कुछ तो और कुछ नहीं है, पूरी काउंटिंग जो सेंट्रल ऑब्जर्वर्स ने 116 उनकी देख रेख में आज हुई, सभी जगह काउंटिंग मतलब बिना किसी व्यवधान के और बिना किसी अड़चन के संपन्न हुई, कहीं पे कोई काउंटिंग रोकने जैसी या कोई मेजर में कहूँ कि मशीन का नंबर नहीं मैच हो रहा है और टूटी है और इस तरह कहीं ऐसी कोई घटना नहीं है। वो जैसा मैंने पहले बताया था दिन में वोटिंग बैटरी परसेंटेज को लेकर के थोड़ा सा जरूर एक उत्सुकता या थी, तो वो भी क्लियर कर दिया गया था, उसमें जरूर कुछ जगह उन लोगों ने आपत्ति करी, उन लोगों ने आपत्तियाँ उनकी प्राप्त की और उसके बाद उसकी काउंटिंग की गई, वो भी बहुत बहुत कम है ना के बराबर, तो शांतिपूर्वक तरीके से काउंटिंग संपन्न हो गई और अब एक तरह से जो पेपर वर्क है वो काम चल रहा। सुबह वाले सत्र में एक साथी ने, पता नहीं वो है कि नहीं, तुमने पूछा था कि आपको कितनी शिकायतें मिली हैं उसका क्या हुआ, उस समय नहीं था तो मैंने कहा था कि मैं निकलवाता हूँ। तो हम आचार संहिता के दौरान जब से इलेक्शंस डिक्लेयर हुए थे और अभी तक की जो टोटल प्राप्त शिकायतें हैं हमारे पास वो हैं 1706 में जो निराकरण हुई है वो है 1653, और जो लंबित है जो लगातार आती रही है, जिसमें शिकायत जब आती है किसी जिले से संबंधित होती है तो हम लोग जिलों से प्रतिवेदन मांगते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर।